हेलो डियर कैप्रिकॉन, सो लेट्स सी यहाँ पे कि 2025 ईयर में आपकी लाइफ कैसी रहने वाली है, चाहे आपका पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ। सो कैप्रिकॉन, यहाँ पे आप चाहे कोई भी हो, मेल हो, फीमेल, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, ये रीडिंग आप सभी के लिए है और आप सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं कैप्रिकॉन। और जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए, फैमिली मेंबर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल एनिस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारा कुछ मेंशन कर दिया है। यहाँ पे 3 कार्ड्स मैं लूँगी आपके लिए। देखिए, 2025 आपके लिए काफ़ी परफेक्ट एंड डिवाइन टाइम दिखाई दे रहा है। ठीक है, जैसे यूनिवर्स ने सब कुछ सेट करके या प्लान करके रखा हो आपके लिए 2025 में। ठीक है, सब कुछ कैसे है वो सब मैं आपको बताने वाली हूँ। यहाँ पे एक कार्ड मैं और लूँगी, दिस वन। ओके, सबसे पहले मैं आपको ये देख पा रही हूँ कि आपके जो फालतू के डिज़ायर्स हैं, जो बिना मतलब के कुछ डिज़ायर्स हो सकते हैं आपके, उन सारे डिज़ायर्स से आप फ्री होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप अपने फ्यूचर को बेहतर बनाने पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, उसके साथ साथ आपका जो इंटेंशन है, जो आपका जो अटेंशन है, वो फालतू चीज़ों से हटकर अपने ऊपर आ रहा है। जैसे अपने काम को लेकर, वर्क को लेकर डेडिकेशन आपके बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं, डिटर्मिनेशन बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं। मिस्टेक्स जो आपने अभी तक अपने लाइफ में किए हैं, उन सारे मिस्टेक्स से आप बहुत ज़्यादा सीख रहे हैं। इनसाइड मतलब अंदर से आप और भी बहुत इंस्पायर्ड हो रहे हैं। ठीक है, एम्पावर्ड हो रहे हैं, मोटिवेटेड हो रहे हैं। ठीक है, जो आपकी गलतियां हैं, वो सारी गलतियां आपको बहुत ज़्यादा क्या कर रही है, मोटिवेट कर रही है। वो सारी गलतियां आपको आगे आने वाले टाइम के लिए, जैसे कोई बैटल में आप युद्ध में कदम रख रहे हैं, ठीक है, जैसे कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम ही हो गया हो, तो उसी में उसके लिए भी आपको आगे आने वाला मिस्टेक स्ट्रांग बनाना है। जैसे अगर आप कोई एग्ज़ाम अभी दिए हो, उसको क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो आपको ये समझ में आ गया ना कि कैसे मुझे नहीं करना चाहिए था और कैसे अब करना चाहिए, इस बात को आप सीख रहे हैं। तो इस बात को सीखते हुए आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। आपके अंदर मैं देख पा रही हूँ कैप्रिकॉन कि आप बहुत ज़्यादा खुद को लेकर प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, लव वंस को लेकर भी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो रहे हैं। आपके अंदर की फिजिकल स्ट्रेंथ भी अच्छी हो रही है, इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हो। पहले क्या हुआ कि आपने लोगों की बात मानकर बहुत ज़्यादा लोगों को इंट्यूशन को फॉलो कर करके आपने काम किया है, वर्क किया है, मेहनत किया है, लेकिन अब आपको ये समझ में आ चुका है कि लोग जो है मेरा भला या अच्छा नहीं चाहते थे, लोगों ने सिर्फ मेरा समय बर्बाद कराया है। लेकिन अब आप कुछ डिफरेंट हो रहे हो। क्या हो रहे हो वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आपके जो एंसेस्टर है वो आपके तरफ और आपके पूरे के पूरे फैमिली के तरफ या फ्रेंड्स भी हो गए तो सभी के तरफ भेज रहे हैं बहुत ही ज़्यादा ब्लेसिंग्स या सेफ्टी। ठीक है, अगर आपके फैमिली में किसी से भी आपका रिश्ता नाता टूट गया है या इन लॉज के साथ या पार्टनर के साथ उतना अच्छा कनेक्शन नहीं है, तो उन सारे लोगों के साथ आपका रियूनाइट हो रहा है एनर्जी, जैसे कि रिकॉन्सिलेशन कह सकते हैं। फैमिली के साथ, फैमिली में सभी लोग अच्छे से नहीं रहते, तो पूरी फैमिली अब अच्छे से रहने वाली है। तो एंसेस्टर का क्या हो सकता है, एंसेस्टर का तो यही सपना हो सकता है ना कि सभी लोग अच्छे से रहे, प्यार से रहे, मिल कर रहे। तो आप हो गए, आपकी पूरी फैमिली हो गई, चाहे आपके दोस्त हो गए, वेल विशर हो गए, फ्रेंड्स हो गए, वो सभी लोग बहुत सेफ एंड सुरक्षित रहने वाले हैं। आपको यूनिवर्स से कुछ गिफ्ट मिल रहा है, जैसे कि आपके अंदर क्षमता आ रही है कि चीज़ों को आप डीपली समझने वाले हैं, आप डिफ़िकल्टी से डर नहीं रहे, आप चीज़ों से डर नहीं रहे। आप बोलने में पहले डरते थे, ठीक है, किसी से कॉन्वर्सेशन करने में घबरा जाते थे, हाँ में हाँ मिला देते थे, लेकिन अब अपनी बातों को क्लियरली रख रहे हो। आप इन्वेस्टिगेटर भी बन सकते हैं, इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, ठीक है, मतलब इन सारे फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। और मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि आप जो हैं कुछ ना कुछ प्रोटेक्टिव एंड लॉयल फ्रेंड या लॉयल पार्टनर से सराउंडेड होने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपके लिए एनर्जी है, दिस वन। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप जितना हो सके अभी के टाइम में और 2025 के लिए स्पेशली कहा जा रहा है कि आर्ग्यूमेंट से बचिए, लड़ाई झगड़ों से बचिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि जिसको आपके साथ आर्ग्यूमेंट करके बहुत मज़ा आता है, जिसको आपका दिल तोड़ के या आपको हर्ट करके या आपको आपके डायरेक्शन से, आपके ड्रीम से या विजन गोल से भटका के उसको बहुत मज़ा आता है, बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि एक्चुअली में उसका पर्पस यही है कि वो आपको आपके गोल से भटका दे, इसलिए वो आपके साथ आर्ग्यूमेंट करता है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आप किसी और के साथ आर्ग्यूमेंट ना करें, ठीक है, आप बचें, क्योंकि आर्ग्यूमेंट करने से उसका दिमाग तो नहीं ख़राब होगा लेकिन आपका ज़रूर होगा। इसीलिए जितना हो सके, अगर घर परिवार में कोई है या कोई बाहर में है, कहीं
क्लासेस करने जा रहे हो, स्कूल में, कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में, जानबूझकर आपको कोई टॉर्चर कर रहा है या रैगिंग करने की कोशिश कर, कुछ भी, तो ऐसे लोगों से आपको बात ही नहीं करनी, आर्ग्यूमेंट ही नहीं करना। इससे क्या होगा कि आप निगेटिव इन्फ्लुएंस से बच जाएंगे। तो जितना हो सके आपको भागना है, किससे? स्केप करना है निगेटिव इन्फ्लुएंस से, निगेटिव लोगों से, ठीक है। वैसे यहाँ पे अगर कोई आपकी फैमिली के ऊपर ब्लैक मैजिक किया है या आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, तो आप लोग उससे फ्री हो जाएंगे। सो परफेक्ट टाइमिंग बहुत सारी चीज़ों का दिखाई दे रहा है। मतलब अगर आपको किसी चीज़ का ऐसा लग रहा है कि ये अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ से चला गया, बहुत लेट हो गया, बहुत सब कुछ बदल चुका है, तो ऐसा कोई बात नहीं है। अगर आपके दिल में कोई इच्छा है, किसी चीज़ को करने की इच्छा है, और ऐसा लग रहा है कि समय तो चला गया, अब मैं क्या ही करूँगा, अब मुझसे क्या हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा, तो ऐसा नहीं है। कोई समय नहीं गया है आपके लिए, हर एक समय परफेक्ट टाइम है, ठीक है, डिवाइन टाइम है। तो अगर आप चाहे तो अभी से या 2025 में आपको ऐसा फीलिंग आएगा कि 2024 में कर लेना चाहिए था, फिर 2026 में जाओगे तो लगेगा 2025 में कर लेना चाहिए था। तो बेहतर है कि 2025 में कुछ भी ऐसा लगे कि कर लेना चाहिए था, तो वो आप उसी टाइम करना। दूसरी बात, कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ जो पास्ट के टाइम में, पास्ट लाइफ की बात नहीं रही है, पास्ट के टाइम जो बीत गए इस जन्म में, ठीक है, जो आप अपॉर्चुनिटीज़ खो दिए, कोई इंसान को हो सकता है आपने खो दिया, वो इंसान या फिर वो अपॉर्चुनिटी आपके सामने फिर से आने वाली है, फिर से आपकी डेस्टिनी वो अपॉर्चुनिटी को लेकर आ रहा है, तो इस बार आप उस अपॉर्चुनिटी को नहीं खोएंगे। वैसे मुझे आप बहुत क्लासी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा क्लासी, बहुत ही ज़्यादा सीक्रेटिव, बहुत इंटेंस फीलिंग किसी के लिए आना, जेलसी होना, ठीक है, ये सब हो रहा है। कुछ लोग मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं, मैनिपुलेशन से आपको बचना है, ठीक है। आपको कभी भी कोई किसी के बारे में भड़काने की कोशिश करे, ठीक है, तो आप सुन लेना, समझ लेना, लेकिन आपको दूसरे साइड भी देखना है कि क्या जो भड़काया गया है वो सच में ऐसा है भी या नहीं, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान हो जो चाहता हो कि आपका सारा लोगों से दोस्ती ख़त्म हो जाए, सारे लोग आपको बॉयकॉट करने लगे, सारे लोग आपसे हेट करने लगे, तो ऐसे लोगों से आपको बचना है, ठीक है। आपको किसी से, किसी के वजह से दुश्मनी नहीं करनी, आपको सभी के साथ मिलजुल कर साथ में आगे चलना है। एग्जुबरेंट की एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा आपके लाइफ में खुशियाँ आएंगी, और आप खुशियों का, जैसे कह सकते हैं कि बात कह सकते हैं, खुशियों का आप भंडार बन जाओगे, और आप जो है खुशियाँ बिखेरने वाले हो, ठीक है। आप बहुत लविंग, बहुत फनी, बहुत इंटरटेनिंग, बहुत करेजियस, बहुत जेनरस, बहुत वार्म, बहुत रोमांटिक, बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत क्रिएटिव हो रहे हो, ये सब यहाँ पे मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है। तो अभी के टाइम में अगर कुछ चीज़ें अनबैलेंस है तो वो मुझे बैलेंस होते हुए दिखाई दे रही, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और भी कुछ एनर्जी है, वो भी मैं क्लैरिफाई करती हूँ। द गॉड ऑफ लव की एनर्जी है, तो जो भी फालतू के डिज़ायर है जो आपके लिए सही नहीं, ना आपके बॉडी के लिए, ना आपके दिमाग के लिए, ना मेंटल हेल्थ के लिए, वो ख़त्म हो रहा है। मन से वो डिज़ायर ही ख़त्म हो जाएंगे, ऐसा लगेगा कि क्या मैं फालतू के डिज़ायर सोचती थी या सोचता था, ठीक है। और आप ध्यान देने लगोगे एक्ट्स ऑफ सर्विस, काम पे, मेहनत पे, ठीक है। आप ध्यान देने लगोगे ट्रू लव पे, रोमांस पे। यस, आपका किसी के साथ ट्रू लव है तो उसके साथ रोमांस भी डेवलप होगा, लव में भी सक्सेस मिलेगा, और सेक्सुअल पावर, सेक्सुअल जो परफॉर्मेंस है वो भी इन्हांस हो सकता है आपके हस्बैंड वाइफ के साथ, ठीक है, आपके पार्टनर के साथ। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपका घर है, आप शांति से बैठे हुए हो गार्डन में अपने पार्टनर के साथ या अपने फैमिली के साथ, चाय पी रहे हो, इंजॉय कर रहे हो रेनी सीज़न को या फिर ठंडे ठंडे मौसम को, ठीक है। हर तरह का सीज़न आता है पूरे साल भर, तो हर एक सीज़न को, हर एक टाइम को आप अपने जिसके साथ इंजॉय करना चाहते हैं, जिसके साथ आप रहना चाहते हो, उसके साथ इंजॉय करो। स्पेशली पार्टनर के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने समय को बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हैं। देखिए, कुछ अफर्मेशन ज़रूर कीजिए, जैसे कि ग्रैटिट्यूड का अफर्मेशन कीजिए, थैंक यू यूनिवर्स, आई एम ग्रेटफुल फॉर अ वंडरफुल एंड न्यू डे, आई एम ग्रेटफुल फॉर ऑल दैट आई हैव, आई एम ग्रेटफुल फॉर ऑल दैट इज़ कमिंग टू मी। 2025 में जो मेरे लाइफ में आ रहा है उन सारी चीज़ों के लिए मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। न्यू स्किल्स आप बहुत सीखेंगे, पढ़ाई आपके लिए बहुत पावरफुल हो सकता है साबित, उसको कंटिन्यू रखिएगा। आपके लाइफ को चेंज करने में आपका जो पढ़ाई, आपका नॉलेज है वो बहुत साथ देगा। चीटर लोग से बच के रहिएगा, आपके लाइफ में चीटर आ सकते हैं, गेम खेलने की कोशिश कर सकते हैं, माइंड गेम खेलने की कोशिश कर सकते हैं, ये बाहरी लोग होंगे, आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, ओके।
और आपकी वैसे वैल्यू बहुत बढ़ रही है। कोई स्कूल में आप प्रिंसिपल बन सकते हैं, आप टीचर, प्रोफेसर, लेक्चरर, ये सब भी बन सकते हैं। वैसे आपकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा आप चूज़ जैसा करेंगे लाइफ को 2025 के लिए, वैसे ही आपकी लाइफ होगी, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कर रहे हैं। सो ये आपका एक झलक है, ठीक है, जो आपने देखा 2025 का। पर्सनली के लिए कांटेक्ट कर लीजिए मेरे जीमेल आनंद आईडी के थ्रू, जो कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। किसी भी टॉपिक पर रीडिंग ले सकते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में है तो भी रीडिंग ले सकते हैं। ओके, नंबर नहीं देती हूँ, अवेयर रहेगा फेक एंड फ्रॉड से। सो चलते, बॉय, टेक केयर।